हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फ्रॉस्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्लैक एरोप्लेन एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। उस दिन आसमान में एक भी बादल नहीं था और वह पायलट काफ़ी खुश था, क्योंकि लोग नीचे सो रहे थे और वह आसमान में उनके ऊपर से उड़ रहा था। वह अपने डकोटा से फ्रांस से इंग्लैंड यानी अपने होम टाउन जा रहा था। वह अपनी छुट्टियों के बारे में भी सोचता है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली थी, और उसे अपनी फैमिली से भी मिलना था। उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो सुबह की 1:30 बज रही थी। जब उन्होंने प्लेन से बाहर देखा तो उन्हें लगा कि स्ट्रीट के बड़े बड़े लाइट उनको दिखने लगे हैं। फिर उन्होंने रेडियो पर कहा, डकोटा 0 8 8, कैन यू हियर मी? मैं अब इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूँ, ओवर एंड आउट। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तुरंत जवाब आता है, डकोटा 0 8 8, हम तुम्हें सुन सकते हैं, अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना होगा, ओवर एंड आउट। पायलट यह सोचता है कि वह ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाएगा और रॉयल इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सकेगा। अब तक सब कुछ अच्छा था और फ्लाइट भी काफी आसान थी, और अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। एकदम से उनके सामने घने स्टॉर्म के बादल आ जाते हैं, जो कि किसी पहाड़ की तरह लग रहे थे। वो उनके उस पुराने प्लेन से बादलों के ऊपर भी नहीं जा सकते थे, और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो उस स्टॉर्म के ईस्ट या वेस्ट से निकल जाए। वो वापस लौटने का सोचते हैं, पर उन्हें उनके घर का इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए था, तो वो रिस्क लेकर उन बादलों में घुस जाते हैं। जैसे ही वो बादलों में घुसते हैं, सब कुछ काला हो जाता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंपास खराब हो जाते हैं और वो इससे काफी डर जाते हैं। लेकिन उन्हें एकदम से एक ब्लैक एरोप्लेन नजर आता है और उन्हें लगता है कि वो उन्हें बचाने और गाइड करने आया है। वो उसके पीछे पीछे एक ओबीडियंट बच्चे की तरह जाने लगते हैं। आधे घंटे से वो एरोप्लेन उनको गाइड कर रहा था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट उड़ने इतना फ्यूल बच जाता है। पर फिर एकदम से वो प्लेन नीचे की तरफ मुड़ जाता है और वो उसका पीछा करते हुए जाते हैं, तो वो एकदम से बादलों के बाहर आ जाते हैं और एयरपोर्ट भी दिखने लगता है और वो सेफली लैंड कर लेते हैं। पर वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो अंदर कंट्रोल रूम में जल्दी से जाकर पूछते हैं, वो एरोप्लेन कहाँ गया? उसका पायलट कहाँ है? मुझे उसको बस एक थैंक यू कहना है। वहाँ पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था, रडार पर बस आपका ही एक प्लेन था। फिर वो कौन था जिसने मुझे यहाँ तक बिना कंपास, रेडियो और फ्यूल के सेफली पहुँचाने में मदद की? वो कौन पायलट था जो एक बिना लाइट का ब्लैक एरोप्लेन स्टॉर्म में उड़ा रहा था? उस लेडी की बात सुनकर पायलट आश्चर्य से सोचता है कि फिर वह ब्लैक एरोप्लेन आखिर कौन उड़ा रहा था। शायद यह उनका वहम था या खुद पर भरोसा, और यह रहस्य रहस्य ही रह जाता है।